हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बलरामपुर क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 से कुछ सवाल बताने वाला हूं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। आपका पहला सवाल है 945, दूसरा है 140, तीसरा है 156, जिनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। फर्स्ट टाइम इसको क्या करेंगे आप, 945 इसका करेंगे आप गुणनखंड। इसमें पांच है, ये पांच से कटेगा, पांच करना पांच होता है, चार बचा, चार चार चौवालीस हुआ, फिर पांच चालीस होता है, था चौवालीस, चार फिर बचा, चार पांच पैतालीस, पांच नौ पैतालीस। अब ये तीन से कटेगा, तीन छक अठारह, तीन तिरिक्का नौ, फिर ये तीन से कट रहा है, तीन दुन्नी छः, तीन अकन्नम तीन, फिर तीन से कट रहा है, ये तीन से इक्कीस, अब ये सात से कटेगा, सात अकन्नम सात। अब यहाँ लिखेंगे आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यहाँ क्या लिखेंगे आप, अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों गुणनखंडों के गुणन फल के रूप में, ठीक है। लिखने के बाद पांच लिखेंगे, फाइव गुड़े एक दो तीन, तीन पर तीन बना देंगे, गुड़े सात, ये आपका हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे का गुणनखंड करेंगे सेम जैसे इसको किया गया है। 140 का गुणनखंड करेंगे, जिस संख्या के लास्ट में जीरो होता है वो पांच से भी कटता है और दो से भी कटता है। दो और पांच से कटने का जब आपके पास ऑप्शन हो उसको दो से काटा करो, दो सदे चौदह, दो जीरो हम जीरो, दुई तिहाई छः, इसमें एक बचा, एक जीरो दस, दो पंचे दस, फिर ये पांच से कटेगा, पांच से तो पैंतीस, फिर ये सात से कटेगा, यस। उसके बाद फिर आप लिखेंगे नीचे अभाज्य अभाज्य गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में, ठीक है। एक दो, दो पर दो बना दीजिए, गुणे पांच, वन टाइम है पांच रहेगा, फिर गुड़े सात भी एक बार है सात लिख दीजिए, ये आपका हो गया। ऐसे आप 156 का करेंगे, 156 लिखेंगे, इसे दो से काटेगा इसको, क्योंकि इधर सम संख्या है, दो से कटेगा, दो सते चौदह, था पंद्रह, एक बचा, एक छः सोलह होता है, फिर दो आठ सोलह, फिर लास्ट में इधर सम संख्या, फिर दो से कटेगा, दो तिया छः, एक बचा, अट्ठारह हुआ, फिर दोनों अट्ठारह, फिर ये तीन से कटेगा, तीन अकन्नम तीन, तीन तिरिक्का नौ, फिर तेरह से काट दीजिएगा। फिर आपको ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें इसमें लिखा गया है। लिखेंगे आप अभाज्य अभाज्य गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में, ओके। यहां देखिएगा टू टू बार है तो टू पर टू बना दीजिए, गुड़े तीन एक बार है तीन लिख दीजिए, और तेरह भी एक बार है, आपको ऐसे लिखना है, यस, ये आपका हो गया है।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।